तो न्यूमेरिकल देखते हैं वही कि एक इंसान है वो अपने घर से मार्केट जाता है S1 स्पीड से या 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और मार्केट से सामान लेकर आता है S2 स्पीड से या 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आता है। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर घर और मार्केट के बीच का डिस्टेंस आपको नहीं पता तो आप कितना मान लेंगे? डी। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा क्या वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा? बिल्कुल, क्योंकि इतनी डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस तो कहीं आगे आगे भागेगी नहीं, तो डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ 40 से गए थे, यहाँ 60 से गए थे, तो जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ जाने में लगा था उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, राइट? नो, यहाँ आप कम स्पीड से गए थे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ आप ज़्यादा स्पीड से आए तो टाइम कम लगेगा, या यहाँ ज़्यादा जाओगे तो मतलब कुल मिला के अगर आपकी स्पीड अलग है तो टाइम भी क्या होगा? अलग। तो इसलिए हमने यहाँ डिस्टेंस को डी और डी ही लिया हुआ है, स्पीड को क्या लिया? अलग है, तो इसलिए स्पीड S1, स्पीड S2 और टाइम भी क्या अलग अलग है, तो इसलिए इसको क्या लिया? T1 और T2। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस डी है, टाइम T1 है, स्पीड S1 है। यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस डी है, टाइम T2 है और स्पीड S2 है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डी प्लस डी, मतलब जाने में डिस्टेंस प्लस आने में डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2, जाने में टाइम आने में टाइम। इक्वेशन 1 यहाँ थोड़ा छोड़ देते हैं। अब चूंकि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, टाइम तो पता नहीं है, हमें पता केवल क्या है? स्पीड। तो हमें जो चीज़ पता है उससे, क्योंकि हमें स्पीड की वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में, स्पीड की वैल्यू कितनी दी है भैया? ऐसे अपन मान के चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर, ठीक। तो अब हम जानते हैं नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 इक्वल टू डी अपॉन T1। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, राइट? तो अगर T1 इक्वल टू डी अपॉन S1, सो कैन वी राइट ऑल्सो T2 इक्वल टू डी अपॉन S2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट डी प्लस डी अपॉन टी वन प्लस T2 की जगह, T1 प्लस T2 की जगह क्या रख दिया? डी अपॉन S1 प्लस डी अपॉन S1, और डी ओ डी कितना हो गया? 2D। अब यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया? 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। अब ये डी से डी कैंसिल, क्या बचा? 2 अपॉन S2 प्लस S1 अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू 2 S1 S2 अपॉन S2 प्लस S2। यही हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब अगर आप इसमें आपकी स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? 40 किलोमीटर पर आर और 60 किलोमीटर पर आर, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू S1, 2 इंटू 40 इंटू S2 इंटू 60 अपॉन S1 प्लस S2, 40 प्लस 60, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 8, 8 6 जा 48, 0 एंड 0 एंड अपॉन 40 प्लस 60 100 एंड 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 48 किलोमीटर पर आर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आर, ना कि 50 किलोमीटर पर आर। ओके, सो दैट वॉज द एवरेज स्पीड।